बगैर मास्क ड्राइविंग पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए जा रहे हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एक ही रोज़ में बगैर मास्क ड्राइविंग पर मजीद 4,452 गाड़ियों को चालान टिकट थमा दी, जबकि लाहौर में कोरोना की तीसरी लहर में मजमुई तौर पर 2,85,493 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। आपको बताते चलें कि बगैर मास्क ड्राइविंग पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों के चालान का सिलसिला भी जारी है। हसन खालिद बताइएगा, कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, मगर इसके बावजूद शहरी एसओपी को खातिर में नहीं ला रहे। बगैर मास्क ड्राइविंग करने वाले गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है वो चालान करने का सिलसिला जारी है, और पुलिस ने ईद के चार रोज में भी बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जबकि गुज़श्ता रोज 4,452 गाड़ियों को चालान टिकट यहाँ वो जारी किए गए हैं, जिसमें अब मजमू तौर पर 2,85,493 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके कोरोना एसओपी के खिलाफ वर्जी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अब तक चालान किए हैं। और इस हवाले से सिटी लाहौर सैयद हमाद आबिद का ये कहना था कि ना सिर्फ चालान किए जा रहे हैं बल्कि जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनको बंद भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में भी लाई जा रही हैं, और इस पर हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ तआवुन करें। चालान करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि शहरियों को तंग किया जाए, बल्कि शहरियों की जानों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है, हसन खालिद अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।